काला अर्थात श्याम, बोलना पड़ेगा एक बार, एक बार जरा बोलना पड़ेगा, काला अर्थात आंखों के अंदर ये जो काले रंग का जो लेंस है ना, ये पुतली, इससे हम सारी दुनिया के को देखते हैं, सारी दुनिया के रंगों को देखते हैं। ये पुतली कौन से रंग की है? काले रंग की। और काला अर्थात है तेज जिसका आंख में पुतली, वो श्याम है, अन्न धान देती वो बदली, अन्न धान देती वो बदली श्याम है। सफेद रंग के बादल कभी बरसते नहीं, बादल वो ही बरसते हैं जिनका जिनका रंग काला होता है। और काला अर्थात, समझने की चेष्टा कीजिएगा, और यदि समझ लो तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। है तेज जिसका आंख में पुतली, वो श्याम है, अन्न धान देती वो बदली श्याम है। इधर पृथ्वी श्याम, उधर व्योम श्याम है। यदि संसार में सूर्य न निकले तो चारों तरफ अंधकार, अर्थात काला अर्थात। अब चेष्टा कीजिएगा एक साथ में इस प्रभाव को सुनने की। है तेज जिसका आंख में पुतली, वो श्याम है, अन्न धान देती वो बदली श्याम है। और इधर पृथ्वी श्याम, उधर व्योम श्याम है। और अपने ही तन पे देखे बंदे, रोम रोम तक ही श्याम ही श्याम। अपने ही तन पे देखिए बंदे, रोम रोम तक श्याम ही श्याम है। दर्शन नहीं किए अभी तक, दर्शन हुए नहीं, लेकिन आप लोगों के हाथों को देखकर मुझे एक बार ऐसा एहसास हो रहा है कि बाबा आप लोगों के कहीं ना कहीं लकीरों में, कहीं हाथों में कर्म के हाथ हो, चाहे पुण्य का हाथ हो, किसी किसी हाथों में समाये हैं। एक बार जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने नहीं भी किए वो भी एक बार जरा दोनों हाथ खोल लेना, एक बार जरा बोल देना कि मन दर्शन देव, मन दर्शन देव, मन दर्शन, दर्शन देव, दर्शन देव, दर्शन देव। अरे भक्ति खड़िया थारे द्वार, भक्ति खड़िया थारे द्वार, लिया छोटी सी अरदास, मन दर्शन देव, मन दर्शन देव, मन दर्शन देव, मन दर्शन। ये तो कार्तिक एकादशी है, फागुन की एकादशी में ना जाने कितनी कितनी लंबी लंबी कतारें होगी, लाखों लाखों भक्त जो है लाइनों में खड़े होंगे, कतारों में खड़े होंगे, और हर एक की ख्वाहिश ये होगी कि बस एक झलक मिल जाए। एक बार मैं चाहूंगा, ये देखिए लगभग जो है ना, ये प्राणवायु का समय होने वाला है। प्राणवायु का मतलब अब जो है भगवान से मिलने का समय, साक्षात्कार का समय। बाकी साक्षात्कार पवन भैया करवाएंगे, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा जरा दोनों हाथ रखे, ज्यादा समय ना लेते हुए दोनों हाथ रखे जरा, और मिलके ताली बजा के जरा, एक दो तीन, अच्छा। भक्ति खड़ा थारे द्वार, भक्ति खड़ा थारे द्वार।
किसी अरदास माने दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो और भक्ति खड़िया थारे द्वार भक्ति खड़िया थारे द्वार बोलिया छोटी सी अरदास माने दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो। अच्छा बताओ कौन कौन चाहता है कि बाबा के दर्शन हो इस दरबार में साक्षात ऐसा लगे कि दर्शन हो। एक बार जरा वो खाटू वाली पंचायती धर्मशाला वाली जरा तालियां इस पूरे पांडाल में गूंजनी चाहिए जरा। ये बात वन टू थ्री मारवाड़ी सिगला ने समझ में आ रही है को नहीं आ रही सिगला ने समझ में आ रही है एक बार जरा बोलो मिलके जरा जगह जगह परी भटक्यो बाबा मिलके बोलो इस साथ जगह जगह परी भटक्यो बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी। सच बताओ कहीं पे सुनवाई हुई और जिनकी इस दरबार में सुनवाई हुई है एक बार जरा हाथ खोल के जरा बोलो ना एक बार बोलो मिलके कहो ना एक साथ मिलके जगह जगह पर भटक्यो बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी सब दीवाने छोड़ो बाबा चौखट पकड़ी थारी बाबा चौखट पकड़ी थारी बाबा चौखट पकड़ी थारी जगह जगह पर भटक्यो बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी बाबा कोई सुनी ना मारी सब दीवाने छोड़ो बाबा चौखट पकड़ी थारी चौखट पकड़ी थारी बाबा चौखट पकड़ी थारी। और चौखट क्यों पकड़ी क्यों पकड़ी क्योंकि पता है मार्गियों साचो दिखला सो था सुनहरी आसमाने दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो अरे भक्ति खड़िया थर थर लिया छोटी सी अरदास माने दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो मन दर्शन दे दो। कहते हैं कि ऐसे ही बाबा आते नहीं हैं। कहते हैं कि ताली से ताल बनती है ताल से लय बनती है लय से लौ बनती है और जब लौ बनती है तो प्रभु का आगमन होता है। एक बार वो जो प्रभु के आगमन वाली तालियां बजनी चाहिए दरबार में। बेशक हाथ ऊंचे ना हो लेकिन एक बार ये पंडाल ये पूरा का पूरा जो है आंगन गूंजना चाहिए दरबार में। जरा मिलके जरा बोल खाटू नरेश की प्यारी बात इस भजन की जरा इस भजन के अंतिम पंक्तियों को मैं यहीं पे विराम देते हुए गाऊंगा। बहुत सुंदर बात मिलके जरा
ऊंचे ऊंचे ढोरा ऊपर धजा भरू के धारी बाबा। ये ढोरों का देश है भाई। कौन भैया? रेतीले टीलों का देश है। यहाँ की जब रेतीले टीले चांदनी रातों में जो चमकते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई में ये चांदी के धोरे बन चुके हैं। और तपती दोपहरी में जब ये धोरे चमकते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि सुनहरे धोरे बन चुके हैं। अब ये धोरे, ये जो टीले हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है मैं नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो आपका सुनने के बाद मैं आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा एक बार जरा मिलके, सिर्फ 2 मिनट का, अपने गायकी के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि ये ढोरे कितने ऊंचे हैं। जरा तालियां बजा दे जरा। ऊंचे 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 धोरा ऊपर धजा भरू के धारी बाबा, धजा भरू के धारी बाबा, धजा भरू के धारी। ओ खाटू राधे धनिया थारे लीले की असवारी, अरे बाबा थारे मंदिर में है, बाबा थारे मंदिर में है, बाबा थारे मंदिर में है सब देवारों वासू। ओ बाबा थारे मंदिर में है सब देवारों वास, माने दर्शन देवो माने दर्शन देवो। जिनको बाबा के दर्शन की जिज्ञासा है, एक बार जिन जिन का मन है वो एक बार जरा दोनों हाथ खोलना, मिलके बोल देना। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भक्ति खड़िया थारे द्वार, भक्ति खड़िया थारे द्वार, लिया छोटी सी अरदास, माने दर्शन देवो, माने दर्शन देवो, माने एक बार वो माने दर्शन देवो। तन मन उसे दे छायो रे, अलबेला सजन आयो रे। एक बार जोरदार गाजा करा, बोलो श्याम प्यारे के। और जिनके लिए सुनने के लिए मैं खुद आज आतुर हूं।